दाखिल करने का काम पूरा हो गया है। त्रिपुरा से कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो चुनाव प्रचार तो जोर पकड़ ही रहा है, लेकिन इस बीच अलग अलग दल भी अपनी अपनी चुनावी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, और इसीलिए त्रिपुरा से ही जुड़ा है हमारा आज का विशेष, जो कहता है त्रिपुरा का चुनावी संग्राम। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विंग कमांडर सेवानिवृत्त अनुमाचार्य, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, विवेक श्रीवास्तव जो वाम नेता है, प्रेम शुक्ला जी जो भाजपा के प्रवक्ता है, और अनिल कुमार बंसल जो वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि जब त्रिपुरा की बात आती है तो 2018 में 25 साल आप सत्ता में रहे, जिसके बाद भाजपा ने आपको सत्ता से बेदखल कर दिया। इस बार क्या कारण है या क्या हताशा है कि आपने अपने धुर विरोधी कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया? देखिए, कांग्रेस के साथ एक पुराना इतिहास है वामपंथी पार्टियों का, और स्टेट्स में कई बार हम एक दूसरे के खिलाफ भी रहे हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे सेक्युलर पॉलिटिक्स को हमेशा बनी रहे इस देश के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टेड रहे, तो हमने मिलकर के सरकारें बनाई है। यूपीए इसका एक लेटेस्ट एग्जाम्पल था, जिसमें 60 के ऊपर मेंबर पार्लियामेंट इलेक्ट किए थे, हमने कांग्रेस को और यूपीए को समर्थन दिया था। तो हम कहीं ना कहीं, हमारा मानना है कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, सेक्युलर पार्टी है, और इस देश का जो कॉम्प्लिकेटेड सोशल फैब्रिक है, जिसमें अनेकों जातियां हैं, अनेकों धर्म हैं, उसके प्रोटेक्शन और इंटीग्रेशन का काम तो कांग्रेस ने किया है। जिन पॉलिसीज पे हमारी मुख्तलिफ राय होती है तो हम उसको जाहिर करते हैं, और हमारा ये भी मानना है कि इस वक्त देश जिस तरीके के कम्युनल संकट से गुजर रहा है, जिस तरीके की बयानबाजियां आ रही हैं, जिस तरीके का एक माहौल धीरे धीरे पैदा हुआ है समाज में, उसमें सभी सेक्युलर पार्टियों को इकट्ठा होकर के मिल करके अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी, राजकीय लेवल पर भी और साथ में केंद्र के लेवल पे भी। तो विवेक जी, क्या ये कहना सही होगा कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए आपने कांग्रेस से हाथ मिला लिया? क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि यूपीए में आप और कांग्रेस साथ सरकार में थे, लेकिन वो वही वक्त था जब यूपीए में तो आपने हाथ मिलाए हुए थे, लेकिन त्रिपुरा में धुर विरोधी ही थे। जी, आप ठीक कह रही है, उस वक्त हम धुर विरोधी जरूर थे, लेकिन राजनीति एक बदलाव का चिंतन हमें करना पड़ता है, और इस वक्त जो हम समझ रहे हैं कि कांग्रेस के साथ, कांग्रेस मित्र पार्टी है, बिहार में हम लोग साथ रहे, बंगाल में हम लोगों ने साथ में चुनाव लड़ा, त्रिपुरा में भी लड़ रहे हैं, तो ये एक जरूरी गठबंधन है, और गठबंधन का धर्म निभाया जाएगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के हिसाब से, और आप देखेंगी लेफ्ट और कांग्रेस की सरकार बनेगी, और बीजेपी ने जिस तरीके से एक पैसे का एक्सेस यूज करके लास्ट टाइम एक गलत पॉलिटिक्स करके ट्राइबल चीफ्स के साथ, ट्राइबल काउंसिल्स के साथ सत्ता को हासिल किया था, इस बार हारेंगे। अच्छा, और यानी वो बात आपने सही साबित कर दी है कि भाई राजनीति में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, आपने भी और कांग्रेस ने भी, और इसीलिए अनुमाचार्य जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए देखें तो नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों पूर्वोत्तर के राज्यों को मिला लें तो मात्र एक ही विधायक है आपका जो त्रिपुरा से ही है, और एक वक्त था जब पूर्वोत्तर में कांग्रेस एक बड़ी ताकत के रूप में सामने थी। क्या इन चुनावों को, क्योंकि आपने वाम के साथ हाथ मिलाया है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है इस बार कि पूर्वोत्तर में जो खोई हुई ताकत है उसको किसी तरीके से सही हम हासिल कर लें? ममता जी, आपने सबसे शुरू में एक ये सवाल मुझसे तो नहीं पूछा, पर ये पूछा कि क्या बीजेपी को हटाने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि बिना जनाधार वाली बीजेपी ने लोकतंत्र खरीदा है, तो ये पूरी लड़ाई संविधान को बचाने की है और लोकतंत्र को बचाने की है। भारतीय जनता पार्टी के आप किसी रिपोर्ट कार्ड की बात कर रही थी, कुछ आंकड़े, वो अभी फर्स्ट आंकड़े हैं, क्योंकि अगर सब सही चल रहा होता तो चुनाव के ठीक पहले इसी साल में 2022 में माणिक साहब को उन्होंने बनाया नहीं होता मुख्यमंत्री, जो कि पिछले मुख्यमंत्री थे बिप्लव देव, 28 विभाग अपने पास लेकर बैठे थे। यहां त्रिपुरा में आर्थिक असफलताओं को एक तरफ रख दें तो हर फील्ड में असफलताएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, और ये एक शिक्षित राज्य है, बहुत पुरानी बात नहीं है। जब मैंने कहा था हिमाचल प्रदेश के लोग केरल के बाद शिक्षा में सबसे आगे आते हैं, तो शिक्षित राज्य हो सकता है कि बहुत 25 साल तक लेफ्ट का राज्य देख के वो चाहते थे किसी तरह का बदलाव हो, लेकिन जो बदलाव हुआ वो उन्हें पसंद नहीं आया, जितने जुमले बोले गए। दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री भी जुमले बोलकर चले गए, यहां उन्होंने कहा बैंबू पार्क बनाएंगे, रबर पार्क बनाएंगे, मेरे ख्याल से वो नक्शे पर भी नहीं बना है अभी तक। और विद्या ज्योति एक स्कीम बोली तो पढ़ाई ज्यादा महंगी हो गई और बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट होने लगे। यहां जो स्कूलों की हालत है, मिड डे मील ऐसा कि 35 लोगों की, 35 बच्चों की जानें चली गई। जब मिड डे मील का पैसा थोड़ा दिया गया तो 5 रुपए और 7 रुपए,
जो कि उस स्कीम के अपने प्रिस्क्राइब्ड उससे काफी कम है। तो आप सोचिए कि जो पार्टी और मनरेगा में मजदूरी कम कर दी गई, लोगों को कम काम मिला, ये ऐसा राज्य है जो बेरोजगारी में नॉर्थ ईस्ट में सबसे आगे है। प्रधानमंत्री बोल के गए थे त्रिपुरा को लॉजिस्टिक्स हब बनाएंगे, कोई भी बात पूरी नहीं की। यहाँ लोग बाग पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ है, और मुझे अचरज नहीं होगा अगर बीजेपी सिंगल डिजिट पर यहाँ चलिए सिमट जाए। अनुमा जी, आपने काफी लंबी फेरिस गिना दी है। त्रिपुरा को लेकर आपने ये जो आंकड़े सामने रखे हैं, ये तथ्य सामने रखे हैं, कथित तथ्य कहना होगा मेरे को, लेकिन ऐसे में प्रेम शुक्ला जी साथ जुड़े हुए हैं, चलिए उन्हीं से पूछ एक लेते बात हैं। कहूंगी, कथित तथ्य आप इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि मैं यहाँ अगरतला में बैठी हूँ और आप वहां स्टूडियो में बैठी हैं। यहाँ ठीक आकर आपको जो रिपोर्ट मिलती है उसको आपको ठीक से देखना अनुमा जी, चाहिए। आपने जो कहा वही मैं प्रेम शुक्ला जी के पवन के जवाब तो मांगे, कम से कम सत्ता में है वो इस वक्त। प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी ने तो आज एक रिपोर्ट सामने रखकर अपने काम गिना दिए कि हमने इतना कुछ किया है यहाँ, तो ऐसे में ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से, कितने सही है ये, या इनका क्या जवाब होगा? क्या आपको लगता है कि ये कमी रह गई है, इसको करना है, या फिर आपको लगता है कि भाजपा ने काफी विकास के कार्य किए हैं, अब उन्हें सामने लाना पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा का कायाकल्प किया है। 2018 का त्रिपुरा और 2023 का त्रिपुरा कोई भी देखकर, अभी आज ही मैं मुझसे मिलने के लिए एक सीएनएन की पत्रकार जो कोलकाता बेस्ड है वो यहां आई, और 2018 के बाद आई, उन्होंने कहा कि जैसे मैं अगरतला में प्रवेश किया तो मुझे ध्यान में आ गया कि ये तो त्रिपुरा में परिवर्तन का एक प्रवेश द्वार त्रिपुरा का विमानतल ही है। जिस तरह यहाँ की सड़कें हैं, जिस तरह शत प्रतिशत बिजली त्रिपुरा के गांवों में शत प्रतिशत बिजली पहुंचा दिया गया, 3.3% लोगों के घरों में सीधे नल से जल था, आज 58% लोगों के घर में नल से जल है। पूरे कांग्रेस के और कम्युनिस्टों के शासन काल में कुछ सैकड़ा आवास योजना के लाभार्थी थे, आज 3 लाख लोगों को त्रिपुरा में अपने मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन गए हैं, वो उन मकानों में रह रहे हैं। एलपीजी गैस कनेक्शन इसी तरह लोगों को मिला, इस तरह से आयुष्मान के लाभार्थी है त्रिपुरा के जीवन, और 22,000 किलोमीटर सड़कें बनी साहब, 22,000 किलोमीटर के प्रेत आ गए थे, जो कांग्रेस को लग रहा है कि प्रेत आकर काम करके चले गए हैं, तो सड़कें निर्माण होगा तो वहां रोजगार का सृजन होता है, आवास बनते हैं तो वहां रोजगार का सृजन होता है, बिजली घर घर जाती है तो वहां आवास का सृजन होता है, नल से जल हर घर जाता है तो वहां रोजगार का सृजन होता है। और इसी कारण किसानों की जो आय है 98% की वृद्धि इन 5 वर्षों में त्रिपुरा के किसानों की आय में हुई है। प्रेम और शुक्ला ये जी हम फिर आंकड़े लेकर खड़े होते हैं, जी जी रिपोर्ट कार्ड लेकर जाते हैं, और जनता उस रिपोर्ट कार्ड को स्वीकारती है, इसी कारण जो है आज भाई भाई जी प्रेम हमारे प्रेम शुक्ला विकास जी हमारे मैं सवाल पूछ निर्णय रही हूँ, एक मिनट प्रेम शुक्ला हमारे जी, निर्णय है वो जनता उसको स्वीकारती है, इसलिए नहीं हम नया चेहरा लेकर प्रेम जा जी रहे हैं। जो बात जनता विपक्ष वाले पूछ रहे हैं, देगी विपक्ष वाले जो सवाल पूछ रहे हैं वही मैं आपके पास लेकर आना चाह रही थी कि इतना बेहतरीन काम, क्योंकि 2018 में जब आप लोग सत्ता में आए थे तो अच्छी जीत लेकर आए थे आप लोग, और उस वक्त पे हम देखें तो बिप्लब देव ही उस नायक थे उस जीत के, लेकिन आपने उनको बदल के मानिक शाह को लेकर आ गए। और वहीं दूसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं कि कई ऐसे नेता हैं जो आपकी पार्टी के, जो आपका साथ भी छोड़ के चले गए हैं। कहां तक आपको लगता है कि ये फैक्टर्स हैं जिन जो एक चुनौती दे सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की जीत का नायक त्रिपुरा की जनता है, और उसके नायकत्व को जो है बल प्रदान करने का कार्य हमारा कार्यकर्ता करता है, हमारा नेतृत्व जो है उसको सारी जो शक्तियां हैं उसको जो है एक जो है फ्लो में ले आता है, और उस फ्लो के माध्यम से हम एक सत्ता में सेवा का कार्य करते हैं। चुनाव में हम सत्ता के सेवा के जो कार्य किए हैं उसके आधार पर जनादेश मांगने जाते हैं। 60 वर्षों में एक बता देना कि त्रिपुरा में कांग्रेस के कम्युनिस्टों का शासन काल था, 5 वर्ष में बता दे तो जनता क्या काम किए, किस आधार पर? जनता बताएगी, जनता की बारी भी है, जनता ही बताएगी अब जब अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। लेकिन हमारे साथ अनिल कुमार बंसल जी, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, इस बार जब देख रहे हैं तो टिपरा मोथा जिस तरीके से पार्टी बन गई है, और आदिवासी वोट की अगर हम बात करते हैं त्रिपुरा में तो 32% आदिवासी वोट है,
कहां तक आपको लगता है कि ये आदिवासी वोट एक बड़ा गेम चेंजर या बड़ा फैक्टर हो सकता है इस बार के चुनावों में, क्योंकि आदिवासी अधिकार पार्टी की बात करें तो वो भी आदिवासी वोट को इकट्ठा करके एक अलग मोर्चा बनाने की कोशिश में है, तो ये सब फैक्टर्स आदिवासी वोट को कितना मजबूत बनाते हैं? देखिए, कुछ सीटें वहां करीब एक चौथाई से ज्यादा सीटें ऐसी हैं ममता जी जिन पर आदिवासी वोटों की निर्णायक भूमिका है, तो आदिवासी क्षेत्रीय दल के साथ बीजेपी ने समझौता किया है वो मानकर चल रहे हैं। अगर कांग्रेस प्रवक्ता और जो वाम प्रवक्ता उन्होंने कहा अपना उनका स्टैंड ठीक है कि मुख्यमंत्री क्यों बदला, भाजपा में वहां एक अंदरूनी एक मत भिन्नता थी मुख्यमंत्री जी को लेकर के, वो आला कमान से छिपा हुआ नहीं था, लेकिन जो सांगठनिक स्तर पर भाजपा की तैयारी है उसको हम नकार नहीं सकते। वो समय समय पर नब्ज को पहचानते रहे हैं किस अवसर पर क्या निर्णय लेना है, क्षेत्रीय दल के साथ जाना हमारे हमें जाना पड़ेगा ऐसा उन्होंने तय करके गए। जैसे यूपी में आपने देखा उन्होंने जो छोटे दल थे उनके सहयोगी, ये देखते हुए भी कि उनकी बंपर जीत हुई थी, उनको इस डर से नहीं छोड़ा कि कहीं त्रिशंकु स्थिति ना हो जाए। तो त्रिपुरा में भी बीजेपी की जो लड़ाई है सांगठनिक स्तर पर और चुनावी प्रबंधन के कौशल के स्तर पर वो मजबूत है, पर जो अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा उनका वो तथ्य अपनी जगह वाजिब है कि अगर विप्लव देव जी की सरकार वास्तव में अच्छा काम कर रही थी तो बीजेपी ने जब उसको पिछले साल बदला, हालांकि जो आला कमान है भाजपा का वो जनता की नब्ज को पहचानता है, उनको कई बार लगता है कि मुख्यमंत्री के प्रति असंतोष है या एंटी इनकम्बेंसी जो सत्ता के पार्टी के प्रति ना जाए उसको व्यक्ति के प्रति वो डाइवर्ट करने में भी भाजपा सफल रही है। कई जगह उन्होंने ये प्रयोग किए हैं, उत्तराखंड में भी उन्होंने मुख्यमंत्री बदलकर और आपने देखा कि दोबारा वो सत्ता में हासिल भाजपा ने सत्ता हासिल की। तो त्रिपुरा में इस बार लड़ाई कहने को त्रिकोणात्मक है लेकिन वाम मोर्चा और कांग्रेस के साथ ही असली टक्कर बीजेपी की होगी, ये भी एक वास्तविकता है वहां की, किसी से छिपा नहीं है। जी बिल्कुल विवेक श्रीवास्तव जी, जब हम बात करते हैं वाम दल की तो हम देखते हैं कि भैया वैसे तो 25 साल सत्ता में रहे आप लोग, लेकिन इस बार जहां बीजेपी एक रिपोर्ट लाकर बोलती है कि भाई देखो हमने तो विकास के काम किए हैं, तो वहीं आपका घोषणा पत्र दिखाता है कि वादों की लंबी झड़ी है। क्या काम लेकर आप जाना चाहते हैं जनता के पास? 25 साल तक सत्ता में रहे थे आप। देखिए 25 साल तक अगर लगातार हम सत्ता में रहे तो इसका मतलब रिपीटेशन में जनता ने हमको वोट दिया, तो काम तो कर रहे होंगे, योजनाएं हो रही होंगी इंप्लीमेंट, तभी तो वोट दिया ना। पर आपके घोषणा पत्र में वो दिख नहीं रही, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। जी, क्योंकि अभी देखिए 5 साल से बीजेपी का शासन है, तो नॉर्मली ये ट्रेंड होता है कि जो जीतता है वो अपने जो पुरानी एंटी इनकम्बेंसी को अपनी छुपाने के लिए जो भी सत्ता में पार्टी किसी भी राज्य में होती है वो अपने कामों को गिनाते हैं। हमारा ये मानना है, पहली चीज तो ये है कि हम लोग एक युवा वर्ग को लाने की कोशिश कर रहे हैं त्रिपुरा में, और करीब 50% सीटों पे जो भी कैंडिडेट्स हमारे लड़ रहे हैं तो बिल्कुल न्यू फेसेस हैं, यंगस्टर्स हैं और डायनामिक हैं और एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ हम लोग आ रहे हैं इसमें। दूसरी बात यह है कि लास्ट टाइम जो गेम चेंजर हुआ था इलेक्शन के टाइम में, मैं पहले भी आपको बता चुका था, दैट इज द ट्राइबल पीपल, ट्राइबल चीफ एंड द ट्राइबल काउंसिल। तो नॉर्मली वो ट्रेडिशनली जो आदिवासी वोट फैक्टर्स हैं वो हमारे लेफ्ट के साथ रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मिसकम्युनिकेशन के कारण बहुत सारा पैसा बीजेपी ने मार्केट में उस वक्त उतारा और कुछ स्कीम इम्प्लीमेंटेशन की बात करी, कैश फ्लो हुआ, तो वो सारी चीजों की वजह से थोड़ा सा जो इलेक्शन का प्लान था लास्ट टाइम वो पलट गया। तो इस बार जो ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी हैं, ट्राइबल चीफ्स हैं, ट्राइबल काउंसिल्स हैं, उनसे भी हम लोग टच में हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है, वो भी रियलाइज कर रहे हैं कि 5 साल के अंदर भाई वो बात नहीं हुई जो कहा गया था। जो युवा थे जिनको विप्लव देव कह रहे थे साहब कि आई एम द नेक्स्ट युवा आइकन सो यू प्लीज वोट फॉर मी, वो भी डिसिल्यूशन है बहुत ज्यादा और लेफ्ट की तरफ अब देख रहे हैं। तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं। तो हमारा जो बेसिक जो एक घोषणा पत्र है वो सबसे पहले ट्राइबल जो डेवलपमेंट है वो फर्स्ट प्लैंक है जिसको हम प्रॉमिस कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम जो नॉर्मल गवर्नमेंट होती है, क्योंकि ट्राइबल अभी भी बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं। 5 साल के अंदर बीजेपी ने आदिवासी तबकों की तरफ ध्यान नहीं दिया है। दूसरी चीज, हम लोग एम्प्लॉयमेंट के ऊपर और सस्ती एजुकेशन के ऊपर हम लोग, जैसे पूरे देश में आप देखेंगे इस वक्त स्कूल की फीस से लेकर के जो कि स्टेट सब्जेक्ट होता है, अगर हम कॉलेजेस की फीस पे आए, एजुकेशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है और कॉमन मैन के बियॉन्ड हो चुकी है। तो ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाना चाहते हैं। मैं अनुमाचार्य जी के पास जाना चाहूंगी। अनुमा जी, जो बात अभी तक कही गई है कांग्रेस की तरफ से बात कही जाती है कि भाई विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि त्रिपुरा में ये विपक्षी एकता को झटका लगता है क्योंकि टीएमसी तो अपनी राह अलग चल रही है? देखिये, टीएमसी का आप नाम ले रही है, पता नहीं क्यों आप डिबेट में जगह देना चाहती हैं, लेकिन उनके तो सारे लोगों की जमानत जब्त होगी, वो कुछ वोट इधर से उधर काटने के लिए। उन्हें जगह देने की बात नहीं, विपक्षी एकता के मुद्दे को उठा रही हूं मैं।
देखिए ऐसा है कि टीएमसी को अपना जो कर रहे हैं करने दीजिए, उनका कोई जनाधार नहीं है, उनका यहाँ आना हमें नहीं मालूम वो क्यों आए हैं, उनके तो सारे लोगों की जमानत जब्त होगी। और एक चीज और बता दूं कि त्रिपुरा की जनता जो है वो अति हिंसा से, पहले हिंसा का यहाँ इतिहास है, 1980 में हुई थी, 88 में हुई थी, लेकिन वो एक आदिवासी और बंगाली उन लोगों के बीच में होती थी, लेकिन अब राजनीतिक हिंसा बढ़ी है, यहाँ गुंडागर्दी बढ़ी है, यहाँ के लोग गुंडों से परेशान है जो आके ना केवल तोड़फोड़ करते हैं, दुकानें जला देते हैं, यहाँ के पत्रकारों के जो ऑफिसेज हैं वो जला दिए गए, प्रतिवादी कलम नाम का एक न्यूज़पेपर और उसका चैनल था, पूरा ऑफिस जला दिया, हल्ला बोल का पूरा ऑफिस जला दिया। तो इस तरह की ये जो चीजें हैं, पढ़ी लिखी जनता जो है बीजेपी जैसे लोगों को इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि एक तो वो वादा खिलाफी करते हैं और भी बहुत सी चीजें हैं। यहाँ के जो रोजगार करने वाले लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो आज तक सातवें वेतन आयोग के जो अपने देय हैं उनकी इंतजार कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके अलावा उनको डीए नहीं मिला है। तो हमारा जो हमारी पार्टी ने और लेफ्ट के साथ जो हमारा गठजोड़ है उसमें हमने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की भी बात की है। तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का रेवेन्यू जो त्रिपुरा का ज्यादातर केंद्र सरकार पर निर्भर होता है, इस बार ज्यादा बजट मिला था लेकिन सरकार इतनी खर्चीली थी कि एक तिहाई से ज्यादा बजट केवल अपने रख रखा। तो कांग्रेस अपना एक रोड मैप लेकर वाम सरकार के साथ त्रिपुरा का विकास किया, ये रोड मैप लेकर अब कांग्रेस आगे आना चाहती है इन चुनावों में। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये जो बात कही जा रही है क्योंकि भाजपा की जहां जहां सरकार रही है वहां कानून व्यवस्था को तो एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, यहाँ पर अनुमाचार्य जी लेकिन आप पर सीधा आरोप लगा रही है। आरोप नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड, जवाब देने दें अनुमाचार्य। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं। किस तरह से यहाँ हिंसा थी कांग्रेस के कार्यकाल में, स्वयं उन्होंने बताया 80 की हिंसा शर्मनाक हिंसा थी, कांग्रेसियों द्वारा प्रेरित और प्रायोजित हिंसा थी, कम्युनिस्टों ने भी हिंसा की, यहाँ पराकाष्ठा की थी। आज महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी 50% से ज्यादा की गिरावट आई है। कानून एवं व्यवस्था त्रिपुरा जो यहाँ के आतंकवादियों के, इनको जरा कहिए कि तमीज से रहे, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए अनुमा जी, उनको बोलने दीजिए, झूठ ना बोले तो हम क्यों बोलेंगे अनुमा जी, आपको अपनी बात रखने दीजिए अनुमा जी, आपने बोला अपनी बात रखी, उन्हें भी रखने दीजिए। संस्कृति से ही आई है प्रेम जी, आप अपनी बात रखिए, हम चिल्लाने की प्रतियोगिता में नहीं आए हैं, चूंकि कांग्रेस के लुटेरों को पूरी तरह से त्रिपुरा की जनता ने नकार दिया है, इसलिए दो दल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए किसी तरह से त्रिपुरा में लड़ रहे हैं। उनको अस्तित्व बचाने, कुछ सीटों पर हम आ जाएंगे क्या, कठिन है उनको, उसकी भी कठिनाई है, कुछ सीट भी ये जीत पाएंगे ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि क्या पूरी त्रिपुरा की जनता ने लुटेरों हिंसक श्रृगालों को पहचान लिया है और उनके विरुद्ध जनादेश देकर विकास की राजनीति। चलिए प्रेम जी, हमने इस कैसे बार विकास किया इस बार त्रिपुरा की जनता महसूस कर रही है। चलिए प्रेम जी, बीजेपी तो अपराध और भ्रष्टाचार की बात कह के वाम और कांग्रेस पर निशाना साध ही रही है, लेकिन बीजेपी के विकास कार्यों को लेकर जनता कैसे उन्हें आंकती है वो भी हमारे सामने आ ही जाएगा। लेकिन फिलहाल वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और त्रिपुरा की जनता के पास अब अपने मत का अधिकार जब करें तब उनके पास होगा इस बात का अधिकार कि वो बताएं कि कौन सी सरकार कौन सी